Hey guys, good morning. Welcome back to our new vlog. सुबह का दिन तो जा चुका है क्योंकि 12 बज चुके हैं और हम लोग अपना ब्रेकफास्ट कर चुके हैं और डुगू अपनी एडिटिंग कर चुके हैं। डुगू के स्टमक में थोड़ा थोड़ा हो रहा है जलन, तो अभी ये खा रहे हैं आंवले का। इतना लालच करने की जरूरत ही क्या थी, फिर लालच कम था बाबू। सॉरी, आधी किलो बैटर खा गए हम लोग। आधी किलो बेसन का जो बैटर था ना ढोकले का, वो अपन आधी किलो का आधी किलो घोल घोल के खा गए सारा का सारा। और इतने भूखे थे ना हम, मतलब आधा किलो में रात को तो नहीं खाया। हाँ, हमने आधा किलो जो बनाया था वो पूरा तो नहीं खाया रात को। हमने सुबह फिर ब्रेकफास्ट में उसको ऑलरेडी बना हुआ था तो हमने उसको रख दिया था, फिर सुबह उसको थोड़ा सा गर्म वर्म करके हम लोगों ने ले लिया ब्रेकफास्ट में। लेकिन भाई साहब मैं बता रही हूँ, हमारे ऐसा लालची आदमी तुमने देखा नहीं। तो लालच हमने कल रात को किया है ना, प्लेट भर के सामने रख लिया, प्लेट भर के वहां भी रखा है बनने के लिए कि ये कम पड़ गया तो वहां से खा लेंगे। देखो मैं ऐसे कह रही हूँ, मैं अपन जन्म जन्मांतर के भूखे बने हुए थे कल है। तो गाइज आज का दिन शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का दिन कैसे जाता है। वैसे मैं आपको कमिट तो नहीं करूंगी कि आज अपन रील्स बनाएंगे, तो आप देखना, क्योंकि कल हम तैयार हुए थे, अपन ने रील्स नहीं बनाई। जिस दिन हम तैयार नहीं होते उस दिन कमिट कर देते हैं, तो क्या फायदा है ऐसे कमिटमेंट का जो पूरा ना कर सके हम। और आप मेरे बालों की दुर्दशा देख ही रहे हो, आज मैं अपने हेयर वॉश करूंगी, ऑयल लगा दोगे मेरे बालों में प्लीज। तो गुड मॉर्निंग लिखा आपने गाइज को। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दिन, बने रहिएगा हमारे साथ व्लॉग में। एंड आई होप आपने कल का व्लॉग एंजॉय किया होगा। और आज हम सोच रहे हैं कि मकबांग के लिए एक ट्रायल ले ले, तो आप वो ट्रायल दिखाओगे व्लॉग में। हाँ। चलो फिर आप लोगों को भी देखने को मिलेगा व्लॉग में वो ट्रायल मकबांग का जो हम आज लेने वाले हैं, उसका माइक का भी, खाने का भी और ये सब कुछ। देखो मैं शूट करूंगी, आप खाना। मैं खाऊं? हाँ क्यों? अच्छा खाना तो मेरे को है ना। चलो गाइस बस बहुत हुआ, ट्रायल आपको दिखाएंगे शूट करेंगे तो थोड़ा वो देख लेंगे ना भाई साउंड कैसा आ रहा है, क्योंकि हमारे पास जो माइक है वो दूसरा है। हमने एक्चुअली अभी इसका बड़ा माइक जो आता है अराउंड 10,000 के आसपास आता है, बड़ा जो स्पीकर माइक जो भी होता है वो आता है। अभी हमने वो नहीं मंगाया क्योंकि अभी हम लोग चेक करेंगे एक बार कि इसमें साउंड कैसे आ रहा है, जो हमने बोया का मंगाया हुआ है, तो देखते हैं कैसा साउंड आ रहा है। अगर उसी से कवर हो गया तो अच्छी बात है, वरना हम लोग उसी को मंगाएंगे। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में क्योंकि मेरा हार्ट टूट चुका है बिल्कुल, वरना खर्चा करना पड़ेगा। चलो ठीक है बाय। तो गाइस फाइनली भी टाइम हो रहा है, टाइम के साथ 2 बजने वाले व्लॉग भी आने वाला होगा और अपना आप लोग व्लॉग एंजॉय करना, हम लोग व्लॉग शूट करेंगे। तो अभी अपना बन रहा है लंच और लंच में आज बनी है दाल, तो आज बनाएगी दाल यशु। तो मैं दिखाऊंगी आपको यशु, आज यशु बनाएगी। जब भी व्लॉग शूट करूंगा ना पीछे ढूंढ सब सारी आवाजें आ जाएंगी भाई। मैं कुछ थोड़ी कर रही हूँ आवाजें करने के लिए, यहाँ से आवाजें आ रही है तो थोड़ी देर रुक जा जब व्लॉग शूट कर रही हूँ तो। नहीं लेकिन ये सरस का घी है बेटे, ये हमारे राजस्थान की कंपनी है ये, और ये वही अलवर की, अलवर में ही बनता है इसका वो। आई बड़ी वाइट घी होगा देख, है ना, है ना, है ना, बिल्कुल वाइट प्योर घी है, देसी घी है, देसी घी बेटे। सॉरी प्रमोशन बहुत कर लिया तुमने सरस का, हो गया। तो गाइस अभी दाल बनाने जा रहे हैं तो चलो देखते हैं कैसे बनती है। सबसे पहले हम दाल बनाने के लिए छोटा सा बर्तन लेंगे, अगर आपके घर में हो नहीं तो आप सीधे कढ़ाई में ही बना सकते हो। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा घी, अगर आपको रिफाइंड या तेल में तड़का लगाना है तो आप वो भी कर सकते हो, नो इशू। और यहाँ पे अपनी दाल उबल के रेडी हो चुकी है, इसके अंदर हमने आज हम बना रहे हैं ये दाल उड़द और नहीं कौन कौन सी बाबू, अरहर और मसूर की दाल है। इसके अंदर इसमें हमने टमाटर डाल दिए हैं जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, बट कोई बात नहीं। यहाँ पे इसमें डाल चुका है जीरा, और जीरे के बाद क्या डालेंगे बाबू? बाबू लाल मिर्च भी डाल दो ध्यान करके, इसमें से निकालना गाइस। इसमें जा चुकी है लाल मिर्च अपनी, पीछे हो जाओ, क्यों उड़ेगी ये? उड़ सकती है ना, अच्छा भरोसा थोड़ी है, बता के थोड़ी उड़ेगी। अब जाएंगे इसमें अपने प्याज, आई डोंट नो इसने आज इसने छोटी में क्यों लगाया है ये तड़का, जल्दी से डाल दे प्याज। हमारी जान को शेफ आग लगवाएगी घर में, किसी दिन पता चले बैठे हैं यहाँ पे दोनों। स्मोकी फ्लेवर है ये, स्मोकी फ्लेवर है, ऐसे कैसे स्मोकी फ्लेवर दिया है तूने? जलाई
बस कुछ मैं डाल दे, तू एक काम कर। हाँ वेरी गुड, चल तेरा तेरा काम इतना ही था बेटे। एक्चुअली मैंने कढ़ाई में लगाना चाहिए, ये मैंने ज्यादा स्टाइल में, हाँ स्टाइल ज्यादा मार ली, बहुत ज्यादा स्टाइल मार ली बाबू। अब ये एक काम कर, तू वापस कढ़ाई में ही डाल दे। नहीं तो ये इसमें बाबू ढंग से नहीं होएगा। अब ढंग से होएगा, देखती जा बाबू तू अभी। आग मत लगा दी दोबारा, तो गाय के पक जाए, फिर मिलते हैं आपसे। गाइस इसने ये अपना कर दिया है कांड, पता नहीं अब आगे क्या करने जा रही है इसमें। और इधर से शूट करोगी? हाँ एक मिनट रुक जा गाइस, अभी जा रहा है तड़का। ओ भाई, ओ भाई, अगर इस पे भी आग हो, मजो आगो भाई देख के। लेकिन चलो, तो गाइस मैंने जस्ट अभी अभी रियलाइज किया कि सुबह इसने मेरे यहाँ पे क्लेचर लगा दिया था मजाक मजाक में। oh, no. और वो भी लगाई हुआ है और मेरे को पता ही नहीं चला। बिल्कुल भी शर्म नहीं है इस औरत को, कुछ भी करती रहती है सही में। कुछ भी का क्या मतलब है? और तो अपनी अब रोटी बनने जा रही है, फिर रोटी बनेगी, फिर हम उसको वहाँ पे सेटअप करेंगे पूरा। आज नॉर्मल रोटी का ही करेंगे। आटा होगी, और कुछ है नहीं हमारे पास। तो ये करके एक मिनट करके फिर मिलते हैं आपसे। गाइस फाइनली अपना खाना आ चुका है और दाल बहुत टेस्टी बनी है, मैं आपको बता दूं। और फिलहाल पहले एक बार हम खा लेते हैं खाना, फिर उसके बाद शूट करेंगे वहाँ पे जाके। एक रोटी हम बचा लेंगे शूट करने के लिए। अपना पूरा सेटअप रेडी हो चुका है फिलहाल, ये अपने कैमरा लगा दिया इधर, और कैमरे में कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, देख लो आप। ठीक है एक मिनट, हाँ। और इधर अपना लगा दिया लैपटॉप रिकॉर्डिंग के लिए। बाबू देख 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 तेरा हाथ टच होगा, बहुत ही रिस्क के साथ लगाया हुआ है ये। अभी सेटिंग सेटअप पूरा लेना है एक्चुअली और भी। और ये अपना आ गया इधर यशु, ठीक है। तो चलो तो चलो लेट्स स्टार्ट बेबी, फोन रख दो साइड में, ठीक है। तो हमने आज पहला हम लोग ट्रायल ले रहे हैं, तो हमने जो खाना बनाया था वही हम लोग मतलब खा रहे हैं। तो जैसे तेरा नॉर्मल वीडियो शूट हो रहा है, ठीक है, मैं स्टार्ट करने लगी हूँ, ठीक है। थ्री टू वन एक्शन। बोलना भी है गाइस, गुड मॉर्निंग, फलाना ढीकना। हे गाइस गुड मॉर्निंग, तो शुरू करते हैं नया मैक ब्रांड चैनल के लिए फर्स्ट वीडियो, जिसमें है हमारे पास दाल और रोटी और भी कुछ गाजर, क्योंकि हमें वॉइस चेक करना है। चल खा। ओ साउंड तो रिकॉर्ड किया नहीं वहां पे, मैंने बोला था क्लिक कर देना। अच्छा अब कर दे, अब कर दे, अब कर दे। चल 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 चल, बोल तो सही। तो गाइस दाल बहुत टेस्टी बनी क्योंकि मैंने बनाई है, ये देखो। और मेरी बात सुन, ये कैसे दिखा रहा तू ना, तुझे है ना अपने बहुत वियर्ड लग रहा है यार। गाजर अब मैं चुप रहूंगी, ठीक है, तो ये शूट करना, ठीक है, मैं चुप रहूंगी, ठीक है। गाइज मैं आपसे बाद में मिलती हूँ शूट करने के बाद। तो गाइज अभी टाइम हो रहा है 6:08 और हम लोग जा रहे हैं मूवी देखने। हमारा मकबैंक का सब ट्रायल वायल सब हो गया था, और ये देखो सारा सामान अभी ऐसे कैसे ही रखा है, इसको बाद में सेट करेंगे। तो हमें भी निकलना होगा जल्दी, क्योंकि 6:08 ऑलरेडी हो चुके हैं और 7:15 मूवी स्टार्ट है। हम लोग जा रहे हैं चंडीगढ़ करे आशिकी देखने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला कि आप लोग देख के आओ, तो इसलिए हम लोग देखने जा रहे हैं। तो अभी देखते हैं कैसी है कैसी नहीं है, फटाफट निकलते हैं और फिर वहां पे जाके आपको अपडेट देते हैं। चलो तो गाइस फाइनली अब हम लोग निकल चुके हैं रेडी होकर। और गर्दन काट दे, हमेशा की तरह गर्दन काट दिया। वेरी गुड, ऐसे यस। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं बाहर। और बता तो देखिए आज तूने क्यों पहना, और आज मैंने इसलिए पहना क्योंकि पिछली बार जब हम मूवी देखने गए थे ना, तो मैंने वो जो क्रॉप वाला हुड पहना था, मेरी हालत खराब हो गई ठंड में, इतना ज्यादा चिल्ड था। और आपको तो पता है चंडीगढ़ का रियाशिकी देखने के लिए ज्यादा लोग नहीं आने वाले हैं, क्योंकि अभी हमने थिएटर देखा बिल्कुल खाली था। आपको तो पता है एलजीबीटी वालों को बेचारों को कुछ समझ आता ही नहीं है, तो मैंने कहा ठंडा पहन लगे कि ये पहन लेती हूँ गरीब। चलो मिलते हैं आपसे गाइस बहुत जल्दी, बताएंगे रिव्यू आपको देंगे, वैसे तो रिव्यूज अच्छे ही हैं उसके, तभी हम लोग जा रहे हैं देखने। तो लेट्स सी। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मॉल, और अभी यशु गई है वॉशरूम। तो यार मॉल बड़ा मस्त बनाया हुआ है, मतलब वॉशरूम खासकर, कतई मिरर मेज बनाया हुआ है हैं, मैंने कहा कतई मिरर मेज बनाया हुआ है यहाँ पे, है ना। आलीशान वॉशरूम ऊपर से फट रहा है उस साइड से।
उस साइड से हाँ। बड़ा खाली है, उससे कभी देखने आएंगे बाबू। थिएटर में अब तो ये स्क्रीन लगने लगी है, पहले वो मशीनों वाली स्क्रीन लगती थी, मैं इतना घबराती थी बाबू। शूट भी मैं करूं और ये भी लेके भी मैं आऊं। चलो चलो आप चलो आ जाओ, कमान आप चलो तो सही। नहीं गिरूंगी मैं। ला दिखा सीट कौन सी है। थर्ड रो बोला उसने ऊपर से। आज हमने गाइस रिक्लाइनर नहीं लिया है, थर्ड रो ये वाली है बाबू, गरीबों वाली अपनी है। नहीं बहुत है, मेरे को इसी में बैठने का शौक है, मैं तो बैठना भी नहीं रिक्लाइनर में। हमने बहुत देख ली रिक्लाइनर में बैठ के। अपनी 102 होगी। हाँ यही है, C2 है और C4। अभी फिलहाल अलग अलग बैठते हैं। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं मूवी देख के, और बहुत मूवी का रिव्यू घर जाके देंगे। फिलहाल दोबारा से यहाँ पे एक शूटिंग चल रही है, पता नहीं दिखा दो इक्विपमेंट, पता नहीं कौन सी चल रही है। देख लो सामने लगे हुए हैं इधर ये और ये देखो ये पुलिस वाले खड़े हैं सारे, ये सारा शूट चल रहा है इधर। पता नहीं लेकिन कौन से सीरियल का चल रहा है, बट चल रहा है इधर, कुछ तो चल रहा है तो पता नहीं इधर। जी देखते हैं, घर जाके बात करते हैं, अभी शूट देखते हैं। ऐसे आते एकदम से पुलिस वाले। फाइनली हम लोग मूवी देख के आ चुके हैं और आज ठंडा नहीं लगा क्योंकि हमने इतने मोटे मोटे कपड़े पहने हुए थे। लग रहा था मेरे को तो, फिर भी आपको लगा था तो आपने ये स्वेट शर्ट थोड़ा सा पतला है ना, ये काफी मोटा था, मैंने तो बोला था आपको मोटा पहनो। गाइज मूवी ना मैं मतलब एक नंबर मूवी है, एक नंबर, मतलब क्या मूवी बनाई है यार। सीरियसली मैं कह रही हूँ, बहुत सालों के बाद ऐसी कोई मूवी आई है जो इतना ज्यादा मतलब क्या बोलूं मैं, दिल को टच किया होगा जिसके डायलॉग्स ने, जिसके म्यूजिक ने, स्टोरी ने, फैमिली मेंबर्स को दिखाओ मूवी यार। मतलब सीरियसली दो तीन बार ऐसा हुआ ना कि बिल्कुल अब रोए हम दोनों। ऐसा था, हम ऐसे बैठे हुए थे पूरी मूवी में, ऐसे हाथ पकड़ के, मैं इनकी शक्लें देख रही थी, मैं इनको देख रही थी बार बार कि ये ना रो पड़े, क्योंकि उसमें बहुत सारे सीन फैमिली से रिलेटेड और उनकी पर्सनल खुद की लाइफ से रिलेटेड ऐसे थे। अब बहुत ज्यादा यू नो अपने से कनेक्टेड चीजें फील करोगे तो डेफिनेटली आपको यू नो इमोशनल आप खुद हो ही जाओगे। तो एक नंबर मूवी है गाइस, जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है वो प्लीज देखें। हमें भी बहुत ज्यादा बोला गया था तो हमने बोला कि नहीं भाई अब तो देख के ही माननी है मूवी को। तो आयुष्मान ने जो एक्टिंग की है और जो एक्ट्रेस है उसमें जो एक्टिंग की है भाई साहब, एक एक बंदे की एक्टिंग ना A1 एक्टिंग थी, मजा आ गया कसम से। बोलो ना आप भी कुछ। बिल्कुल, मतलब मैं उसको अगली 6 बार और देख सकती हूँ मूवी को बिना बोर हुए हुए, इतनी ज्यादा पसंद आई है मुझे वो मूवी। तो आई विश के अब इंडिया की गवर्नमेंट को कुछ मतलब हमारे जैसे गरीबों के बारे में कुछ सोचा जाए, हमारे जैसों के बारे में, और कुछ एक अच्छा डिसीजन लें वो लोग, उनको समझ आए कि वी आर ऑल्सो ह्यूमन। चलो ज्यादा इमोशनल नहीं हुआ होते हम इस चीज को लेके। एक्टिंग चल रही थी वहाँ पे लेकिन हमें पता नहीं चला कि किस चीज़ की शूटिंग चल रही थी, या कुछ ऐसा ही सीरियल टाइप कुछ इन्हीं का चल रहा था शूट। हम लोग भी हमें भी बोल रहे थे वो लोग मास्क निकाल के आप लोग भी जाओ आने जाने में लग जाओ, मैंने सॉरी हम साइड में खड़े हैं। तो वो लोग ना सीरियस शूट कर रहे थे, मतलब गोली वोली लगने का, कोई लड़की चिल्लाती है तो मैं पीछे से हंसती थी क्योंकि एक लड़की ना आते आते बिल्कुल यूं गिर गई जबरदस्ती यूं, तो वहां पे आंटी एक सूट वाली ऐसे करके चिल्लाई तो मेरे को हंसी आ गई। मैंने कहा जबरदस्ती चिल्ला रहे क्योंकि सामने से आप शूटिंग कर रहे हो, ऐसे मत कर, कैमरा ऊपर लगाया हुआ था उन्होंने। हाँ, तो वो सारा शूट कर रहे थे, पूरा उसमें सारा कवर हो रहा था, तो वो उन्होंने स्पेशली बोला भी कि आप मास्क हटा दो और ये हंसे जा रही है वहाँ पे एक्टर चल रहा है इधर हंसे जा रही है। मैंने कहा अभी कोई कैमरे पे देख के बोलेगा दोबारा टेक लो, वो लड़की असली है। तो बस हम लोगों ने बस ये एंजॉय किया आज काफी और हम लोग फिर बस वहां से निकल गए। तो आज फिर एक ऐसा ही कुछ हुआ, मूवी के बाद हम लोग वॉशरूम गए, डुगू ने कहा मेरे को वॉशरूम जाना है, तो वहाँ सारी लड़कियाँ ऐसे देख रही थी डुगू की तरफ कि भाई ये बंदा कहाँ से आ गया, आप लोग समझ सकते हो ना, बट कोई बात नहीं। यार डुगू जोश में निकले थे मूवी देख के, मैं भी लड़की हूँ, मेरा भी हक है जीने का, मेरी पसंद, मुझे लड़की पसंद है तो मैं लड़की पसंद करूं। और भाई साहब जैसे मूवी में टॉम बॉय की शक्ल दिखाई ना, इसकी शक्ल देखने लायक थी। और हमारे बराबर में एक आंटी अंकल, मतलब आंटी अंकल मतलब 35+ थे वो दोनों, तो मैरिड कपल थे, उनकी उनकी नजरें सीधा इसके ऊपर ऐसे। वहां पे गिने चुने लोग थे, कपल ही आए हुए थे ज्यादातर, ही नहीं पीछे वाली सिर्फ तीन या चार रो में कुछ लोग पीछे थे। की सारी सीट्स कॉर्नर वाली बुक थी बस। अब आप लोग समझदार हो आगे बहुत ज्यादा हाँ। तो आप लोग समझ ही सकते हो, बहुत ही कम लोग देखने आए थे मूवी भाई, पता है ऐसी मूवी देखने नहीं जाते लोग, तड़प देखने तो फास्टफुल रहता है। चलो खैर तड़प वाले को क्यों तड़पाया जाए,
बस मैं इतना ही बोल रही हूँ कि भाई जिन्होंने नहीं देखी है मूवी वो देखो, और जिनको अपने पेरेंट्स को दिखानी है, उनको कुछ समझाना चाहते हैं, तो उससे बेस्ट ऑप्शन नहीं है आपके पास कुछ भी। और इंतजार ही कर रहे हैं भाई हम तो कब शादी करेंगे, कभी तो हमारी शादी होगी। तो गाइस अब वीडियो को करते हैं एंड, आई होप कि आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो आपको बताइए, लाइक करना है, कमेंट करना है। कमेंट्स यार, कमेंट्स में क्यों कमी कर रहे हो? लास्ट ब्लॉग में इतने कम कमेंट्स क्यों की? इतना फनी ब्लॉग बनाया हम लोगों ने। पता है मैं सबसे बेस्ट चीज क्या मानती हूं? जब आप अपने किए हुए किसी चीज को देखकर खुद ही हंस पड़ो, तो हमारे लिए वैसा ब्लॉग था। और इतने कम कमेंट्स किए यार आपने उस पर। नहीं गाइस नहीं, आपको बारिश कर देनी है, बारिश ओले करने चाहिए वहां पे कमेंट्स के। ओले यार मैं भूल गई कितने परसेंट लोगों ने सब्सक्राइब किया था। ये वाला जो चैनल है हमारा, स्क्रीनशॉट लगाओ इस ब्लॉग को, यशस व्लॉग को, सिर्फ और सिर्फ 38% लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, उसके अलावा जितने बचते हैं सब्सक्राइब नहीं किया। और अगर मैं बात करूं तो यशस मकबैन की, तो सिर्फ और सिर्फ 6% लोगों ने सब्सक्राइब किया है। डूब मरने वाली बात है ये मेरे लिए। कर लो यार सब्सक्राइब, क्या ही चला जाएगा, एक सब्सक्राइब का बटन ही तो दबा यार। मकबैन के लिए भी अब आपको कई बार को जवाब देना पड़ेगा कि ये लेस्बियन कपल है, एलजीबीटी कपल है, तो हम सब्सक्राइब कर लें या नहीं कर लें यार। कुछ तो यार इज्जत रख लो यार हमारी। अगर आप देखना पसंद करते हो तो आप लोग सब्सक्राइब करो, अगर आपको नहीं पसंद आता है तो मैं कुछ कह नहीं सकती फिर। लेकिन आप लोग देखते भी हो, मुझे पता है पसंद भी करते हो, तो सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता गाइज। आपका सपोर्ट एक सब्सक्राइब हमें कहीं से कहीं पहुंचा देगा, मोटिवेशन देता है हमें और वीडियोस बनाने के कुछ अच्छा करने के लिए। अब 3-4 दिन से जितने भी वीडियोस आ रही है, मैं कमेंट्स पढ़ रही हूँ, उसमें भले से कम कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन कमेंट्स आ रहे हैं कि बहुत ज्यादा एंटरटेन हो रहे हो, आप लोगों को अच्छा लग रहा है, एंजॉय करो, तो हमको खुशी होती है, हमें लगता है हमें और अच्छा कुछ और करना है। तो गाइज मेरी बस रिक्वेस्ट है आप लोगों से, दोनों चैनल पर सब्सक्राइब किया जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और अगला वीडियो जो आएगा बहुत अच्छा आएगा, मकबैन बेबी जल्दी ही वीडियो आने वाला है, तो करते हैं इस ब्लॉग को एंड। भाई मैंने कितना बोल लिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।